का हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी एक निश्चित अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन या चाल में बदलाव होता है तो तभी राशि के जातकों के ऊपर इनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह को वैभव, ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर तक ये मेष राशि में 118 दिन के लिए वक्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि किन राशियों पर गुरु के वक्रे होने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों के जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। गुरु मेष राशि में वक्रे होंगे, ऐसे में गुरु वक्रे का अशुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इस अवधि में जातकों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए गुरु वक्री की अवधि में जातक को वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। उपाय है 1.25 किलो साबुत चावल को पीले रंग से रंगकर गरीबों में दान करें। अगली राशि है वृष राशि। गुरु के मेष राशि में वक्री होने पर वृष राशि के लोगों को प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। पैसों के मामले में तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों में कोई गलत फैसला आपको भारी पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ रुपए पैसे का लेन देन ना करें। उपाय है गुरुवार को गेंदे के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए गुरुवार का गोचर होना मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, इससे आपका काम प्रभावित होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। इस वक्त शादी विवाह से जुड़े फैसले काफी सोच समझकर विचार करें। उपाय है केले के पौधे की जड़ के पास घी का दीपक जलाएं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि। गुरु का मेष राशि में वक्री होना कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत ही अशुभ माना जा रहा है। आपको वैवाहिक जीवन और पारिवारिक मामलों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ संबंधों में किसी कारण से आंच आ सकती है। यदि आप कोई नई जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं। उपाय है भगवान सत्य नारायण की कथा का पाठ करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। गुरु वक्री होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अचानक से नई समस्या पैदा हो सकती है। प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है और माता पिता के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। फिजूल खर्च बढ़ेगा और आपको कहीं से कर्ज लेना पड़ सकता है। उपाय है गुरुवार को पीले कपड़े पहनकर तुलसी पर घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को गुरु वक्री के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना होगा। इस दौरान परिवार में किसी विषय को लेकर वाद विवाद हो सकता है, साथ ही पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में संतान पक्ष से भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय है गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगली राशि है तुला राशि। गुरु वक्री का अनुभव प्रभाव तुला राशि के जातकों पर भी पड़ सकता है। अवधि में जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी भी बड़ी बात को लेके अनबन हो सकती है। उपाय है नवग्रह मंदिर में दक्षिणाव्रती शंख का दान करें। राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि।
ज्ञान और वैभव प्रदान करने वाले गुरु ग्रह का वक्री होना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है। लाभ के बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह आपकी राशि में कर्म प्रभाव में वक्री होंगे। ऐसे ही इस राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र और करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों की नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी के कई अवसर की प्राप्ति होगी। उपाय है पुखराज रतन धारण करना आपके लिए शुभ होगा। अगली राशि है धनु राशि। आपकी राशि के लोगों पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। करीब 4 माह का समय गुरु की कृपा से धन में वृद्धि करने वाला होगा। आपको पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ होगा। आप नई गाड़ी, नया मकान या प्लॉट खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और परिवार के सुख सुविधा पर रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उपाय है पीले रंग की मिठाई मंदिर के बाहर वितरित करें। अगली राशि है मकर राशि। वक्री गुरु आपकी राशि के लोगों की तरक्की के लिए एक नए अवसर प्रदान करेंगे। इन 118 दिन में आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है और वर्तमान जॉब में भी बहुत मजबूती से उभरेंगे। आपके काम का प्रभाव बढ़ेगा जिससे विरोधी भी शांत रहेंगे। उपाय है मंदिर में हवन सामग्री का दान करें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कुंभ राशि। जो लोग बेरोजगार हैं, उनको खुशखबरी मिलेगी। समस्याओं का समाधान होगा और जिंदगी पहले से अधिक खूबसूरत होगी। निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। कारोबारियों को उनके काम से कुछ मुनाफा हो सकता है। धन का संचय होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। उपाय है गुरुवार के दिन पीले रंग के 2 फल किसी गरीब को दान करें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ग्रह वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु ग्रह अपनी राशि से धन भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कई जगहों से धन की प्राप्ति होने से आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है। मान सम्मान में इजाफा देखने को मिल सकता है। उपाय है पीले रंग का सूत दाहिने हाथ में 3 बार लपेटें और सात्विक आहार ग्रहण करें। तो ये थी आज की राशियां और अगली जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें अगली न्यूज के लिए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।